देखिए, दिल्ली में डाबरी में मर्डर और सुसाइड का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये जो वारदात हुई है इसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। बड़ी खबर ये आ रही है, फोन से ये पूरा का पूरा कांड खुल गया। डाबरी कांड का राज फोन से खुलेगा। पुलिस ने मृतक रेनू का फोन जब्त कर लिया है, कातिल आशीष का फोन भी जब्त किया गया है। रेनू की हत्या के बाद आशीष ने खुदकुशी कर ली। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मनोज वर्मा से क्या लग रहा है, कहां जाकर खुलेगी ये पूरी की पूरी गुत्थी। मनोज जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक शुरुआती जांच में पुलिस इसे आपसी रंजिश मानकर चल रही है, लेकिन पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि फोन दोनों का अब जब्त कर लिया गया है, उनको जांच के लिए भेजा गया और जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार कत्ल की सही वजह क्या थी, क्योंकि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। रेनू और आशीष की मुलाकात एक जिम के अंदर हुई थी 1 महीने पहले और तभी से दोनों एक दूसरे को जानते थे। अचानक से कल ऐसा क्या हुआ कि आशीष रेनू के घर पर पहुंचा और वहां पर उसको गोली मारकर हत्या कर दी, और इतना ही नहीं इसके बाद वो अपने घर पहुंचा और वहां पर उसने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। और जब ये वारदात हुई थी पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, रेनू को अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। तो शुरुआत में जब पुलिस यहां पर पहुंची तब पुलिस का ये कहना है कि आपसी रंजिश का मामला है, लेकिन पुलिस ने किसी भी एंगल से इनकार नहीं किया है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है, तमाम इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि रेनू घर से कुछ काम के लिए बाहर निकली थी और जब वो घर वापस लौट रही थी जैसे ही अपने दरवाजे पर पहुंची तभी आशीष वहां पर पहुंचा, उसने गोली मारी और वहां से फरार हो गया। और फायरिंग की आवाज़ सुनते ही आसपास के लोग जब इकट्ठा हुए, रेनू को काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, उसको अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया। और आशीष के पास जब पुलिस पहुंची, क्योंकि पुलिस यहां पर टाइम से पहुंच गई थी और उसके बाद जब जांच की गई, आसपास के फुटेज को खंगाला गया तो आशीष उसमें नजर आया, और आशीष के घर जब पुलिस पहुंची तब वो खुद को भी गोली मार चुका था। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अभी उलझा हुआ है। पुलिस का ये कहना है कि हम हर पहलू पर परिवार में कौन कौन, रेणु के घर में कौन कौन है और परिवार के लोग अभी तक क्या बता रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कब से जानते थे और आशीष ने जब अपने घर में खुद को गोली मारी तो क्या घर में कोई और भी मौजूद था उस समय। जी बिल्कुल, देखिए रेनू के परिवार की अगर मैं बात करूं तो जो रेनू के पति हैं वो बिल्डर हैं, रेनू के 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का है, और काफ़ी संपन्न परिवार बताया जा रहा है। हालांकि मैं परिवार के पास अभी गया था, परिवार के लोग अभी तक इस मामले पर कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि घर में एक बड़ा हादसा हो गया इस वजह से परिवार के लोग कुछ भी नहीं बता रहे हैं। और अगर मैं आशीष की बात करूँ तो आशीष अपने घर की छत पर पहुँचा, परिवार के लोग मौजूद थे घर में और उसने ऊपर छत पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला अभी उलझा हुआ नज़र आ रहा है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि हर एंगल से पूरे मामले की जांच की जा रही है और कत्ल की सही वजह फोन से ही पता चल पाएगी, क्योंकि जो कातिल है वो अब मर चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है। तो आखिरकार कत्ल का मकसद क्या था ये जानना पुलिस के लिए बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि दोनों के फोन को जब्त किया गया है। और जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, दोनों की CDR निकाली जाएंगी, तब ये पूरे का पूरा मामला खुल पाएगा कि आखिरकार कत्ल की सही वजह क्या थी। बहुत शुक्रिया आपका मनोज वर्मा, जैसे कोई और अपडेट होगा दर्शकों तक जरूर पहुंचाइएगा। और इस बीच दिल्ली में ये जो खूनी वारदात हुई है इस पर सियासत अब शुरू हो गई है। घटनास्थल से महज 200 मीटर की दूरी पर आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा रहते हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान विनय मिश्रा ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। इस मामले में पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने की भी वो बात कर रहे हैं। दिल्ली के डाबरी मोड़ इलाके में एक 42 साल की महिला की उसके घर के ठीक बाहर गोली मार करके हत्या कर दी गई, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं द्वारका स्थानीय विधायक विनय मिश्रा जी। मिश्रा जी, सबसे पहले तो बताइए कि ये पूरा मामला क्या है। देखिए, जहाँ तक मुझे भी जानकारी आई है, और वैसे मैं इस कॉलोनी का निवासी भी हूँ, तो मेरे लिए खास तौर पर ये बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा, क्योंकि एक कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान है कि जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ, एक गली छोड़ के मेरा मकान, और यहाँ लगभग 8:15 बजे करीब जिस समय सभी बच्चे सड़क पे थे, बच्चे खेल रहे थे, उस समय एक नौजवान आया और एक महिला को गोली मार के चला गया। ये अपने आप में कानून व्यवस्था बहुत बड़ा सवाल है, और ये मेरे ही नहीं, हमारे यहाँ के जितने जो रेजिडेंट्स हैं उनके मन में ये एक सवाल है, बहुत बड़ा डर है कि जब इस तरीके से ओपनली कोई गोली मार के चला गया, ये वाकई में मुझे लगता है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता, दिल्ली कानून व्यवस्था चरमरा गई है और मुझे लगता है कि अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो गया है। यही पूछना चाहता हूँ आज LG साहब से कि आज कानून व्यवस्था क्या है, आप पुलिस इसकी जांच करें और ओपनली आज आप खुद देखिए, जब शाम के समय में लोग सड़कों पर होते हैं, कोई सैर कर रहा होता है, बच्चे साइकिल चला रहे होते, उस समय में और कैमरे इतने लगे हुए हैं,
तब भी कोई आगे गोली मार के चला जाए तो आप सोचे आज अपराधी के हौसले कितने बुलंद है इस दिल्ली में, ये सोचने का विषय है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।